व्यक्ति जिसका नाम दिलीप पिता केसरिया है, और इसके साथी अर्जुन और अनिल, यह कहीं भी पूर्व में चोरियां करते रहते हैं और आदतन है। वर्तमान में ये कुछ चोरी का सामान बेचने की फिराक में है। पुलिस अपने थाना स्टाफ के साथ सहयोग से मिलकर उतरसी की गई, जानकारी लगाई गई, उनका मुखबिर सूचना था, उनके पहुंचा गया, जाकर खेत में देखा, उनसे पूछताछ की तो उनके पास चोरी की मोटरें, पंप मोटर, बिजली के तार आदि उनसे प्राप्त हुए। फिर उनसे मनोवैज्ञानिक तरीके से और पूछताछ की गई, जिसमें पता चला कि उक्त आरोपी थाना गोगवा के ग्राम पीपरी में एक बड़ी चोरी को अंजाम दी, जिसमें कि सोने की मंगलसूत्र, करधोनी, चाय चैन, पायलें, सोने की अंगूठी इत्यादि कई चीज़ें उसमें गई हुई थी। उनके द्वारा पूरा संपूर्ण माल जब्त किया गया और थाना बेड़िया की अन्य चोरियों का खुलासा किया गया। इसमें पूरी समस्त टीम थाना बेड़िया का पूरा सहयोग रहा। कितने का माल बरामद हुआ सर? कुछ ये मसलू का लगभग 5.5 लाख का है जो ही प्राप्त हुआ है, और अन्य चोरियों के माध्यम इनकी जानकारी प्राप्त करके इन्हें PR पे ले जाकर अन्य चोरियां इनसे खुलासा किया। पहले भी कुछ वारदात कर चुके सर? हाँ, ये पूर्व से आदतन अपराधी रहे हैं। इनके अन्य थानों में लगभग 11 अपराध पंजीबद्ध हैं दिलीप पिता के सरिया के ऊपर, लूट के, चोरी के, अपहरण के, 376 के कई अपराध पंजीबद्ध हैं दिलीप पिता के सरिया। सर, ये कौन से थाने के अंतर्गत क्या थे? ये ग्राम सादड़वन के ही, जो कि कसराबत में चौकी खामखेड़ा के अंतर्गत आता है। सर, इन्हें कहाँ से दबोचा गया? ग्राम इनके सादड़वन से ही दबोचा गया, इनको वहीं से उठा के लाए थे। ठीक है, थैंक यू सर।